हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, करंट एनर्जीज में एक सवाल है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होते हैं, तो आपके सामने जब भी आएगी वो रीडिंग आपके लिए लागू हो सकती है। जब भी जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देखें, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ अगर रेजोनेट होती है तो वही चीज़ आपके लिए कुछ गाइडेंस हो सकती है। तो रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, आपका हीलिंग, आपकी हीलिंग छोटी सी लेवल से ही, इनडायरेक्टली सही, ये मेरा इंटेंशन है। तो वो बस हो जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। बस आपकी एनर्जी चेंज करना, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही मेरा जैसे इंटेंशन है, मकसद है। तो स्टे पॉजिटिव, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The sun, the moon, क्या बात है, nine of pentacles, okay, nine of wands, five of wands, सेवन ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस उनका साइन हो सकता है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, स्पेशली कैंसर और लियो ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, एरीज, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, ओके, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम देखें, द हायरोफंट। तो इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? एक ऐसा पर्सन, खास करके जिनके साथ आपका एक सेपरेशन हुआ, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, आपके बीच में एज गैप हो, वो हो सकता है, या फिर आप कॉलेजेस या स्कूल में कहीं साथ थे, तो वो चीज़, वो पर्सन, सी ये आपके कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चल रहा है, एग्जैक्टली ब्रेकअप नहीं बट सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, ये भी हो सकते हैं। और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो आपको मन ही मन चाहते थे, लाइक आपको वो पसंद करते थे कभी किसी वक्त, स्पेशली आपके अर्ली एज में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब उन्होंने शायद प्यार को कभी पहले जाना था या फील हुआ था, तो आपको देख के उनकी मन में काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि जैसे आपको, आप अगर मिल जाओ ना, तो लाइक तुम मिल जाओ तो दुनिया बन जाए वाली फीलिंग है। तो वो मेल फीमेल जो भी हो सकता है, लेकिन ऐसे पर्सन जो आपको बहुत पसंद करते थे लेकिन शायद कभी बता नहीं पाए, शायद कभी बता नहीं पाए, खास करके अभी तो चांसेस ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी शादी हुई हो या आपकी शादी हुई हो। स्पेशली आप जिस तरह से अभी अपने आप को ग्रो कर चुके हो, जिस तरह से अपनी पोजीशन आपने संभाली है, या अपने लाइफ में जो सक्सेस पाया है, या अपने आपके लाइफ में जो भी एक तकलीफ से गुजर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है, बट वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक, वो बहुत आपको याद तो कर रहे हैं, और ख़ास करके वो पर्सन के मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्न ज़्यादा है, एक फिकर ज़्यादा है कि आप कैसे हो, क्या हो। दिख तो रहा है सब कुछ अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना मुझे जेलसी की कम और फिकर की ज़्यादा या कंसर्न की ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया है, ये मुझे दिख रहा है कि जिसके बिना आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी अधूरी हो गई। ऐसे पर्सन जिसकी वजह से आप किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी गुजरे, मतलब आपने उनको मदद भी की बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल लेवल हो या सपोर्ट करना हो किसी मामले में कभी की, लेकिन हर चीज़ में ऐसे आपको एक धोखा मिला, एक चीट मिली, और वही पर्सन अभी आपको याद कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं
अभी वो जो कर्मा फेस कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और उस वक्त आपको आपकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि पहले तो उनके साथ जो धोखा हुआ है वो उनको आप अपना आपका कर्म अपना कर्मा आपके साथ जो गलत किया उसका याद दिलाता है, इसी वजह से आपकी याद आ रही है कि इस वक्त मतलब उस वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई रहेगी, आपको आपके दिल पे आपकी दिमाग पे कितनी एक गहरी चोट बैठी होगी उस धोखे की वजह से, इस तकलीफ़ की वजह से कितना प्रॉब्लम में सिचुएशन में आप गए होंगे, ये बात का उनको रियलाइजेशन हुआ है इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ना ऐसा है कि स्पेशली ऐसा लग रहा ना कि जिस इंसान के वजह से आप है ना एकदम ऐसे एनर्जी में चले गए जहाँ पे एक आइसोलेशन, आपने दुनिया से अपने आप को कटा लिया, लाइक होते हुए भी लाइक आपका रूटीन चालू है, आप फैमिली में हो, आप दोस्तों में हो, आप ऑफिस में हो, आप पार्टीज में हो, सब कुछ है, लेकिन आप होते हुए भी नहीं हो, जैसे आपने अपने आप को खोया हो, ऐसी एनर्जीज में हो, कोई इस कदर आपको सर्द रातों में अकेला कर गया कि वही पर्सन आपको बहुत याद करता है क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, एक वुंडेड वॉरियर की तरह, कितनी चोट खाई है, कितने महीने हो गए, लेकिन फिर भी आपका इंतज़ार उसी तरह कायम है, वो पर्सन से ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखा रही है कि यस ये पर्सन आपको याद कर रहा है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है क्योंकि उनको एंजल नंबर 555 और 999 ये बार बार दिख रहे हैं, बार बार से एंजल नंबर बार बार दिखते हैं ना तभी उसका कोई मतलब होता है, जस्ट वंस इट्स नॉट इनफ। या फिर मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए थे तो बात अलग था, लेकिन जब आपको रोज़ दिखता है 555 टैरोट तो ठीक है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। ऑफकोर्स मायने रखता है कि बिकॉज एंजल नंबर बार बार आपको यही रियलाइज़ करा है कि आप में चेंज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनजाने में से अचानक से कुछ दिखते हैं तो 999 एंजल नंबर दिखता हो, किसी प्राइस वैल्यू हो, कोई सुपरमार्केट में प्राइस वैल्यू हो, या फिर यू नो कोई भी चीज़ लाइक यू नो, और फिर 555 एंजल नंबर स्पेशली घड़ी में सुबह हो या शाम को एग्जैक्टली 555 एंजल टाइम होता है और आपका उसी वक्त ध्यान जाता है उसी वक्त, तो वो चीज़ बहुत मायने रख रही है कि ये पर्सन उसी वक्त पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको याद ज़्यादा करते हैं क्योंकि उस वक्त आपको याद आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस इंसान के साथ जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, भले वो आपके दोस्त हो या आपके क्रश हो या आपके पर्सन हो जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो या फिर आप मैरिज सिचुएशन में है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि जस्ट आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जिस तरह से हुई तो उसकी वजह से जो रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो पर्सन आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। वो इसलिए अगेन बार बार मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक ना इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग रखता है, लेकिन उसके अंदर के ही डर है, उसके अंदर के ही कुछ डर या उनकी इनसिक्योरिटीज़ उनको रोके रखी है एक्सप्रेस करने से, अपनी बातें जाहिर करने से, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कोई है जो अपने ना लाइफ पर्पज़ या सोल हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, तभी वो इंसान जब भी आंखें बंद करता है वो आप ही का चेहरा दिखता है। पता नहीं उनको भी शायद, मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनको भी जाने अनजाने में आपकी मतलब एंजल्स की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से उनको भी ट्रिगर मिलते हैं, लेकिन इनको नहीं पता ये सब क्या है। उनको ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है, बट जैसे आपका नाम दिखना, अचानक से आपके जैसा कोई पर्सन दिखना, अचानक से आपका जिक्र होना या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपकी तरफ इशारा करती हो, तो वो पर्सन आपके लिए एक अचानक से उस मेमोरीज़ में खो जाता है, मेमोरीज़ में। ये बेहद ज़्यादा स्पेशली रात को ये आपके लिए बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल की बात कर रही हूँ, उनको बहुत तकलीफ़ होती है जिस तरह से मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। अगेन इन्होंने अपनी सेल्फिश रीजंस के, सेल्फिश एक वर्ड हो सकता है और या दूसरा वर्ड ये है कि अपने लिए, अपनी सोच, अपनी गोल, अपनी फ़ायदे के लिए, यू नो कभी कभी ऐसा हुआ कि अपने लिए सोचा,
कि रिश्ता तो खूबसूरत था, सब कुछ है, लेकिन हमेशा उन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अपनी फैमिली हो, अपना प्रोफेशन हो, अपना बिजनेस हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस हो, हर चीज़ में उनको अपनी जिम्मेदारी हो ना, अपनी जिम्मेदारी हो, तो हर चीज़ में प्रायोरिटी या पहला क्रॉस प्रेफरेंस हो उन्होंने अपनी चीज़ों को दिया है। और अभी रियलाइज़ हुआ है अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो थे पर्सन कि जिन्होंने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, यू वर द फर्स्ट, हमेशा आप इंपॉर्टेंट थे, मतलब वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और वो हमेशा आप ही, लाइक मैसेज करना है, कॉल करना है, कोई लाइक मीटिंग करना है, डेट प्लान करना है, हर चीज़ पहले आप, आपने सोचा ऐसा करते हैं, आपने सोचा कि ये करते हैं, हर चीज़ जैसे कंसर्न करना हो, हर चीज़ फिकर करना हो, हर चीज़ आप करते थे। और कहीं ना कहीं अभी इस वजह से आपको इसलिए याद किया जा रहा है कि यही चीज़ें उनके लाइफ में जो उनको इरिटेटिंग लगती है ना, सो कॉल्ड इरिटेटिंग, कि आप बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत बहुत ही सर पे बैठ जाते हो, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, कि आप रोते हो, आप बहुत वेटिंग करते हो, ये वो सब चीज़ है, आर्गुमेंट करते थे, लेकिन किस वजह से, कि वो कुछ सुधरे, कुछ बात करे, कुछ कमिट करे, हर चीज़ में उनकी तरफ से कुछ इशारा हो, कुछ प्यार का इजहार हो, ये चाहते थे आप और उसी वजह से आर्गुमेंट्स होती थी। तो वो चीज़ उनको अभी याद आ रही है कि कितना ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं वो इस इमोशन से, उस तकलीफ़ से वो गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, इसी वजह से वो आपको याद कर रहे हैं। ख़ास करके अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें, जब जैसे कहा ना मैंने हमेशा कि जब स्पेशली हमारा बुरा वक्त आता है, जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हमारी कोई बीमारी की स्टेट हो, एक्सीडेंट्स हो या कुछ भी, जहाँ पे बहुत लेकिन भले भले भाग खड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे असली पर्सन हैं, जैसे हमारे अपने हैं, हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो खास करके अपने हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी हो, बट जो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, सो कॉल्ड अपने वही होते हैं साथ में, और जो सो कॉल्ड कहते हैं कि बस हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो सब सिर्फ ज़रूरत के लिए होते हैं ना, तो भाग खड़े होते हैं। तो जिस तरह से उनको ऐसा लगता है ना, आप इरिटेटिंग हो, आप ज़्यादा ही करते हो, ज़्यादा ही पूछते हो, ज़्यादा ये करते हो, अभी वो चीज़ वो कितना मैटर करता है, ख़ास करके आपका इंतज़ार करना, आपका पेशेंटली हैंडल करना, उनका उनके लिए फ़िक्र करना, उनको प्रायोरिटी देना, उनको इम्पोर्टेंस देना, हर चीज़ बहुत याद कर रहे हैं कि ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में होना, मतलब कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाए हुए हैं और चांसेस है कि ये पर्सन मैरिड है, और या फिर अभी तक अपनी इमोशंस को ठीक से पहचान ही नहीं पाए, अभी तक उनकी जो इमैच्योरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, अभी तक स्ट्रांग नहीं हुई, बस ये सोचते हैं कि गलती हुई है, लेकिन उस गलती को ठीक कैसे करना है ये उनको शायद पता नहीं है। तो ये पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।